हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऐप नोटिफिकेशन है तो ऐप नोटिफिकेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने नोकिया फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऐप नोटिफिकेशंस है तो ऐप नोटिफिकेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ करेंगे, सिंपल आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है ऐप नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये सेटिंग्स शो हो जाएगी, ओपन करते यहाँ पर ये ऐप सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऐप नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, तो इसको यहाँ से आप किसी भी ऐप्स की जो नोटिफिकेशन से ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हमने ऑफ़ कर दिया है तो इंस्टाग्राम पर जो भी नोटिफिकेशंस होंगे हमारे स्क्रीन पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया, कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। और ऑन करते जो भी नोटिफिकेशन से हमारे फ़ोन में आने लगेंगे, क्योंकि हमने ऑन कर दिया। तो इस तरीके से आप ऐप नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी ऐप नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन्स शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो जो हमारे फ़ोन के ऐप नोटिफिकेशंस हैं तो ऐप नोटिफिकेशंस को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, सिंपल आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है ऐप, या सिंपली बैक जाना है और नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे चले जाना है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे जाते ही यहाँ से ऐप की जो नोटिफिकेशंस है उसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी और कोई भी नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में नहीं आएगा, और ऑन करते ही नोटिफिकेशन हमारे फ़ोन में आने लगेंगे। तो इस तरीके से आप ऐप नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।